पहली बार भरतपुर में इस तरीके की मैं आर्ट देख रहा हूँ। ब्लॉग डाले हुए 5 से 7 दिन हो चुके हैं कि ब्लॉग नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा सा बिजी था काम में। आज मैं आपके साथ हूं। तो अभी टाइम हो गया है 5:25 पर और गुड इवनिंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ धर्मेंद्र, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र। और आज शाम को हम निकल रहे हैं एक नई जगह पर जो मैंने पहली बार देखी है, और 2-3 राइडर्स तैयार हुए हैं, उनके संग जाएंगे टीलैंड और टीलैंड पर जाके टीलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। और ये मेरा हैदर, और ये हैदर तैयार हो गया है मेरे साथ जाने के लिए। अब ये छोटा है, इसको ले जा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ जल्दी लेके चलेंगे। हैदर, सबको हेलो बोल दो, इसको 2-3 चीज़ सिखाई है मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। हैदर देखना, आप देखो, हैदर हेलो, हैदर सेट हैंडशेक, ये चीज़ सीख चुका है ये, और बहुत ही प्यारा डॉगी है मेरा, अभी छोटा है, करीब 3 महीने और कुछ दिन का हुआ है। तो इस पर भी ब्लॉग बनाऊंगा जब मैं करीब 1 साल का हो जाएगा, तो हर महीने इसकी किस तरीके से ग्रोथ होती है ये भी बनाऊंगा, क्या खिलाना चाहिए ये भी बताऊंगा, तो इस पर ब्लॉग बाद में बनाएंगे। अभी तो ये खेलने के मूड में आ चुका है। चलो चलिए, तो फिर सीधा मिलता हूँ बाइक पे, चलिए। तो ये छोटी सी राइड है भरतपुर सारा चौराहे से टीलैंड के लिए। अभी बादल हो रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में एडजस्ट कर लेना, गर्मी गर्मी गर्मी, अभी गर्मी नहीं जा रही है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और ये जो टीलैंड है सारा चौराहे से आगरा वाली रोड पर है, और मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कितनी दूर है सारा चौराहे से। ये ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर के आसपास बैठेगा टी लाइन। तो पहला कट जो आएगा उसे फिर कट लेकर और वापस थोड़ा सा भरतपुर की तरफ जाना पड़ेगा। और आप सामने बोर्ड देख रहे हो, टी लाइन ओपन टू सर्व यू, दैट्स अ ग्रेट। तो अभी हम टी लाइन पर हैं और यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, वास्तव में बहुत अच्छी लोकेशन पर है। और ये जो नेशनल हाईवे नंबर 21 है भरतपुर टू आगरा उस पर है, और ग्रीनिश एरिया में है, और ये हर टाइप का इन्होंने बना रखा है। और आप नीचे देख रहे होंगे, पहली बार भरतपुर में इस तरीके की मैं आर्ट देख रहा हूँ जो कि आपको टी लैंड पर मिल रही है। आप देखेंगे, मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ, ये टायर हैं, टायरों को बांधा हुआ है और बांध के फिर इसमें ये रस्सियाँ बांध रखी हैं, तो कंफर्टेबल है, कंफर्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। अब चाय का ऑर्डर दे देते हैं। और एक नई बात और मैं आपको बताता हूँ, नई बात यह है कि हमारे जो HSR राइडर हैं वो कुछ लेके आए हैं हमारे लिए, उसको देखते हैं। बाकी बहुत अच्छी लोकेशन है, बैठने के लिए काफ़ी जगह है, शाम को आकर आप चिल कर सकते हैं, खूबसूरत प्लेस है, चारों तरफ ग्रीनिश ही ग्रीनिश है। एक बार फिर दिखा देता हूँ, फैमिली रेस्टोरेंट है, बढ़िया है, चाय के अलावा शायद मेरे ख्याल में और छोटी मोटी चीज़ें भी यहाँ मिल जाती हैं। भरतपुर राइडर हमारे सारा सिंह, HSR ब्लॉगर हमारे राणा जी, और ये मोहित है, ये मोहित इतने ही आ पाए, ग्रुप में डाला था, ये बेचारा तो मोटर ब्लॉगर नहीं है लेकिन संग रहता है, ये हमारे भाई साहब का दोस्त है, संग रहता है। और आज HSR ब्लॉगर हमारे राणा जी, देखो क्या मंगाया, मना करते करते मंगाया है, मैंने कहा था पहले सोच लो विचार लो, नहीं मानते, ये पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है बंदे पे, तो आज इसको उड़ाएंगे और इसका नामकरण यही करेंगे। हमारे का नाम तो नानू है, हम अपना लेके भी आए हैं, इन्होंने पहले नहीं बताया, नहीं मैं लेके नहीं आता, लेकिन आज इसको उड़ा कर देखते हैं, अच्छी चीज़ है। मेरे को ऐसा लग रहा है ये मेरे से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी, एक तो ये 4K है, मेरे वाले ड्रोन से अपग्रेड मॉडल है, DJI Mavic Mini 1 2, DJI Mavic Mini 2 है, और कॉस्टिंग आप देख लेना, और इसकी मैं लिंक भी डाल दूंगा अपने ब्लॉग में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको चाहो तो परचेज़ कर सकते हैं। बाकी का उड़ाने पर पता चलेगा क्वालिटी,
क्वालिटी तो औसम होगी क्योंकि मेरे भी बढ़िया है, तो इसकी तो सुभान अल्लाह होगी होगी। आपको नज़ारे दिखाता हूँ इसके द्वारा, तो चलिए अब मिलता हूँ सीधा आपको इस। चाय पीते हैं, कुल्हड़ वाली चाय हम मिलती है, मैं पहले देख चुका हूँ कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं। तो ये हमारी लाड़ो ऑल सेट, बहुत बढ़िया शानदार। और आपको बताया था मैंने ये वाटर होल्डर लगा दिया है यहाँ पे, सारी गाड़ी धांसू। लाड़ो दी बेस्ट, रॉयल इनफील्ड हिमालयन, मेरा देश महान, तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलो जी, और अब हम निकल लिए हैं टी लैंड से। अच्छी थी चाय, चाय नंबर एक, बहुत बढ़िया लोकेशन, बहुत शानदार, फैमिली पॉइंट है, लेकिन हाँ कपल्स के लिए ठीक है, यंग जनरेशन के लिए ठीक है। आप छोटी मोटी शायद पार्टी भी कर सकते हो, स्नैक्स वगैरह खा सकते हो, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी वगैरह ये सब पी सकते हो, बढ़िया है। भरतपुर में ऐसी दो चार लोकेशन पर और अच्छे अच्छे खोलने चाहिए, जिससे एक आउटिंग की जगह बने। भरतपुर में आउटिंग की जगह बहुत कम है, तो बहुत बढ़िया।